हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आर पॉडकास्ट हीरोज। एक ऐसी पॉडकास्ट जहाँ पे मैं और आप बात करते हैं ऐसी मोमेंट्स के बारे में जहाँ पे आपको लगता हो आप ही हीरो हैं और आप ही एक सुपरस्टार हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं अक्षय कुमार, जो कि गोल कीपर की तरह खेलते हैं। तो चलिए अक्षय की जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। हेलो अक्षय, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय, हेलो, हाय अमन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? बस द रेगुलर वे ऑफ लाइफ, वर्क लाइफ, बीच बीच में थोड़ा फुटबॉल, और आजकल वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कर रहे हैपनिंग हो, राइट पूरा नाउ। फॉलो कर रहे हो वर्ल्ड कप को? हाँ यार, मतलब मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप एज फार एज मैचेस आर कंसर्न, नॉट द वेन्यू बट मैचेस आर इंक्रेडिबल। मतलब इट्स लाइक हर डे देर इज अ ब्लॉकबस्टर हैपनिंग। हाँ ये तो है, कुछ भी क्रेजी हो जाता है। कल कल का ही मैच देख लो, कोरिया मतलब स्कोर्ड इन फर्गी टाइम, विच वाज लाइक, और वो भी सॉन वाज ऑल ऑन हिज ओन, ऑल ऑफ अ सडन वो साउथ कोरियन प्लेयर आया एंड ही स्कोर्ड द गोल। काफी क्रेजी हैपनिंग चीजें हो गई इस वर्ल्ड कप में। तो अब हैपनिंग चीजों की बातें कर ही रहे हैं, तो आप ये बताओ कि हाउ डिड दैट हैपन कि आपने फुटबॉल देखना शुरू किया, खेलना शुरू किया? ऐसा क्या हुआ और कब हुआ? तो ठीक है, तो देखना तो इट्स लाइक आई स्टार्टेड फॉलोइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि हम जब स्कूल में थे तो सबसे ज्यादा हाई ऑन सक्सेस, हाई ऑन फुटबॉल वो ही क्लब था। ईपीएल टेलीकास्ट होता था, ला लीगा बुंडेसलीगा का तो किसी को पता भी नहीं था कि दे आर और नॉट। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड जब इनका वोडाफोन वाला जर्सी आता था। आई स्टिल डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, कुड बी अबाउट 2003 2004। हाँ, वही 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 पीरियड है। सो उस पीरियड पे थोड़ा थोड़ा देखना फॉलो किया, बिकॉज बेकहम वॉज अ नोन स्टार, एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ बेकहम, क्योंकि उसके बाद पता लगा कि यू नो इज अ फुटबॉलर, विच क्लब ही फॉलोज। देन मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखना शुरू किया, दे यूज टू प्ले फ्री फ्लोइंग फुटबॉल एंड वो देख के बड़ा अट्रैक्टिव लगता ही था, नो डाउट अबाउट इट। Then slowly that all the players that you know I have always looked up to, like Cristiano Ronaldo is one. So फिर जब उनकी हिस्ट्री पता करी तो उसमें शमाइकल था, अगेन अ लेजेंडरी गोलकीपर। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल। खेलना जो है वो बड़ा अतरंगी है, बिकॉज आई वॉज नॉट रियली अ फुटबॉल प्लेयर। आई वॉज पार्ट ऑफ माई स्कूल टेबल टेनिस टीम, जो मैं इंटर स्टेट लेवल तक खेला। आई यूज टू कैप्टन द टीम एंड ऑल। सो आई वंस सॉ कि फुटबॉल के ट्रायल्स हो रहे हैं स्कूल में, एंड बचपन से ही यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्कोर गोल्स, कोई डिफेंड नहीं करना चाहता। सो सिंस आई हैड अ गुड कनेक्शन विद माई पीटी टीचर, आई आस्क्ड हिम, मैं कहा सर कोई स्पॉट खाली है, मैं भी खेल सकता हूँ क्या? तो ही सेड कि हाँ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ खड़े हो जाओ। बैक देन आई डिडंट न्यू व्हाट इज अ लेफ्ट बैक राइट बैक सेंटर बैक, सो आई सॉ कि डिफेंस में सिर्फ दो ही लोग खड़े हैं और बाकी सात आठ लोग आके खड़े हैं, एंड ए गोल कीपर स्टेशन। सो आई वेंट इन टू द पोजिशन ऑफ लेफ्ट बैक एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग। तो बाद में मुझे पता चला कि ये एक्चुअली मैं स्कूल की टीम का ट्रायल चल रहा था, मेरे टीचर ने भी नहीं बताया। एंड ऑपोजिट साइड पे जो फॉरवर्ड खेल रहा था ही वॉज टीम्स रिकॉग्नाइज फॉरवर्ड प्लेयर, आई वॉज एबल टू डिफेंड वेल एंड इस करके मेरा सिलेक्शन हो गया। बट आई वॉज लार्जली ऑन द बेंच, तो कोई खास मोटिवेशन नहीं था गेम को खेलने का मेजरली। सो स्कूल खत्म हुआ, देन आई वेंट टू कॉलेज एंड पास आउट ऑफ आईटीएम गुड़गांव, सेम जो हमारा कॉलेज। सिविल इंजीनियरिंग, हाँ सेम कॉलेज। सो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का भी बुरा हाल था, तो हाँ मतलब इट वॉज दैट 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 सॉर्ट ऑफ अ टीम की जिसके अगेंस्ट इन्होंने पॉइंट्स बनाने नहीं है, इन्होंने सिर्फ देने वाले पॉइंट्स। उसमें भी हाल इस स्कूल से भी ज्यादा बुरा था कि वहां पे 11 के 11 प्लेयर स्ट्राइकर ही खेलना चाहते हैं, कोई मिडफील्डर हाँ थोड़ा बहुत कर लेगा एंड डिफेंस में किसी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। सो देयर आई सॉ कि देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ एनीबॉडी बिकमिंग अ गोलकीपर। सो आई बीइंग एन ऑपॉर्चुनिस्टिक आई सेड कि मैं करता हूँ कीपिंग। आई हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ गोलकीपिंग एंड एवरीबडी एग्रीड कि चलो ठीक है, हमें कीपर तो मिल गया, हमारे 11 तो पूरे हो गए फील्ड पर उतरने के लिए। आई स्टिल रिमेम्बर वो पहला मैच था, वी वर प्लेइंग अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। हाँ जी उस टाइम पे मेरे टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम थी
इट हैड 7 प्लेयर इन द फर्स्ट टीम, जो कॉलेज की मेन कॉलेज टीम थी, के उसके टीम 11 में से 7 प्लेयर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही टीम के थे एंड दे वर रियली गुड, वेरी गुड। बट हमारा जो मैच होता था 45 मिनट्स का सिंगल हाफ मैच होता था, हाँ ओके एंड वो पहली बार था कि सिविल इंजीनियरिंग ने एक पॉइंट स्कोर किया। वी वर एबल टू अर्न अ ड्रॉ, अ 0-0 ड्रॉ, एंड सारा जो मैच वो सिविल के डिफेंस में हुआ। मतलब हाँ अटैक तो छोड़ो, मिड मिड पे भी नहीं गई, सारा डिफेंस में। दे हैड अम्प्टी नंबर ऑफ शॉट्स एंड आई वाज एबल टू सेव देम एंड ब्लॉक देम एंड डिफेंड देम। सो वहां से एक यू सॉर्ट ऑफ यूरेका मोमेंट आया कि नहीं, ये गोल कीपिंग आई कैन डू। एंड देन आई केप्ट ऑन डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग, एंड नेचुरली वो फिर धीरे से मतलब इंक्लिनेशन भी हो गया, और यू नो आई डेवलप्ड सॉर्ट ऑफ अ स्किल एंड सॉर्ट ऑफ अ स्पेशलिटी कि हाँ आई कैन डू दिस वो तो देखा ही हमने, देखते हैं वो तो हम, स्पेशलिटी तो थिंग। हाँ वी आर विटनेस टू दैट। तो इन सब के बीच में ऐसा कभी तो हुआ होगा ना कि एक हीरो मोमेंट आया होगा जब लगा होगा कि भाई साहब ये तो क्रेजी हो गया, दुनिया आसपास पागल हो गई बिल्कुल। तो ये भी अमन, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट थैंक्स गोज टू यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल कम्युनिटी कॉल पार्क लाइफ। ये बात है जब हमारे पिकअप गेम्स होते थे शैलोम में, ओ वे बिगनिंग वे बिगनिंग, वे यस। बिगनिंग हाँ सो उस टाइम पे हम खेल रहे थे, आई वॉज प्लेइंग अगेंस्ट यू एंड यू वर पार्टनरिंग अप विद अभिमन्यु। सो टू ऑफ द लीथल मोस्ट फिनिशर्स एक ही टीम में थे, बाकी सब अलग थे। मुझे आज भी याद है, हम उस ग्राउंड पे थे एंड यू एंड अभिमन्यु ट्राइड अ लॉट, आप लोगों ने हाँ बहुत ट्राई किया, करते रहे एंड आई एंडेड अप सेविंग अ लॉट ऑफ देम। इनफैक्ट हाँ बहुत नैरो दूसरी टीम विच वॉज जिस टीम में मैं था वो टीम हाँ जीत गई। फिर इवनिंग में जैसे ही मैच खत्म हुआ, एवरीवन वाज गोइंग बैक, सो एवरीबडी केप्ट मैसेजिंग कि यू आर अ गुड गोलकीपर। गोलकीपर या अभिमन्यु ने फिर एक, हाँ अभिमन्यु ने एक मैसेज डाला था कि भाई तू तो डिहिया निकला। हाँ वो उसने ग्रुप पे डाला था, मुझे याद है वो हाँ उसने हाँ ग्रुप पे हाँ डाला था। हाँ तो वो मैसेज मुझे आज भी याद है एंड आई हाँ वाज आई फेल्ट लाइक कि नहीं यार भाई कुछ तो है, हाँ मतलब ठीक है यू आर अ हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ अ प्लेयर, लेकिन देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग वेल व्हिच पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज। सो वो एक सॉर्ट ऑफ मेरे लिए तो वही एक हीरो मोमेंट है, हालांकि कई सारे मोमेंट्स है बट दैट इज वन स्पेशल मोमेंट व्हाई आई रिमेम्बर फुटबॉल, व्हाई आई रिमेम्बर पार्क लाइफ, व्हाई आई रिमेम्बर द प्लेयर्स जिनके साथ आज भी मैं खेलता। हाँ। नहीं आई रिमेम्बर, आई थिंक वो आपका ना इनिशियल गेम्स ही थे, तब नए नए आना शुरू किया था आपने भी। हाँ हाँ मेरे को ध्यान है उस राइट बात का, राइट और हम लोग तब थोड़ा अंधेरा, उस ग्राउंड पे तो अंधेरा सा रहता था थोड़ा, तो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते थे हाँ अभिमन्यु। हाँ 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 क्योंकि राइट मेरे को राइट याद है राइट अभिमन्यु भी वो बहुत एट गोल मार, इनिशियल शिलोंग में अभिमन्यु बहुत गोल मारता बहुत 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 हाँ। और उसके वहां पे उसके गोल रोकना वाज अ बिग टास्क, तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने इतने सारे रोके तो उसने खुद ही लिख दिया कि डिग गया, तो मतलब वो है हीरो मोमेंट तो है, मतलब बेसिकली यू आर बीइंग कंपेयर्ड टू योर हीरो एज अ हीरो। गया यूनाइटेड का करेक्ट हीरो करेक्ट है करेक्ट और आप यहाँ के हीरो हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी सही काफी सही। वही सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्स सेव्स एंड ऑल दैट, तो अच्छा लगा, फेल्ट नाइस। नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब कोई भी ऑल्सो द अगर रीजन वाई आई उस कंटिन्यू ऑल्सो द रीजन वाई आई कंटिन्यू टू प्ले इज बिकॉज यू नो व्हेन यू आर फेल्ट कि हाँ एक वे में कि आपको कोई फीलिंग देता है कि हाँ यू नो यू आर अ गुड प्लेयर, तो नेचुरली यू फील मोटिवेटेड टू प्ले। हाँ ये तो है। अब हमने तो इतना खेल लिया ना, तो अब तो लोग थोड़े वही हो गए हैं, मतलब अब तो जैसे मैं खेलता हूँ तो मेरे को तो लोग वही करते हैं कि इसको अगर हरा दिया ना तो लाइफ में थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, इट्स द अदर वे अराउंड। मतलब मेरे साथ बहुत कम होता है कि मेरे को लोग आके बोल रहे हैं कि भाई बढ़िया खेला, मेरे साथ ये होता है कि मेरी गलतियां ढूंढ रहे होते हैं लोग कि अच्छा अब ये गलत पास कर दे, फिर हम इसको बोलेंगे कि यहाँ भाई क्योंकि मैं बोल बोल के खेलता हूँ लोगों को, तो लोगों को लगता है तो हमें एक हाँ मौका मिल जाएगा, राइट 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 तो ऐसे ही होता है। तो पिकअप गेम में जैसे द वे आई कीप, तो मेरे को कभी कभार सामने वाला कहता है यार आराम से खेल, लग जाएगी, एंड इंटरनली आई एम लाइक यार आराम से क्यों खेलूं, मैं गोल खा जाऊंगा। हाँ, मतलब मेरा काम गोल हाँ रुकना है सो दैट्स अगेंस्ट माय प्राइड, हाँ सो नहीं, पॉइंट ठीक है चलो, टेकन। इट्स अ पिकअप गेम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो चलो यार, आपको डेविड डेगा से कंपेयर कर दिया, वो आपका हीरो मोमेंट हो गया, बट अब आपको क्या लगता है यूनाइटेड में जो चल रहा है, कब तक डेविड डेगा हीरो हो रहे के बचाते रहेगा, क्या सीन है? सी एवरीथिंग हैज अ लाइफ यमन, सो आज ही तो कल देर वुड बी अ न्यू गोल कीपर एंड देर वुड बी अ न्यू डेविड डेहिया, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन आफ्टर मेनी ईयर्स आफ्टर सर एलेक्स फर्गसन हैज लेफ्ट, तो उसके बाद
पहली बार वी हैव अ मैनेजर हु हैज द बॉल्स टू आफ्टर जोसे मोरिन्यो बट वी हैव अ मैनेजर हु हैज द बॉल्स टू डिक्टेट हिज टर्म्स। बट वी ऑल मुझे नो फिर व्हाट हैपेंड विद लगता जोसे मोरिन्यो। है या दैट्स अ पैटर्न इफ यू हाँ ऑब्जर्व हिज क्लब करियर, दैट्स अ पैटर्न दैट हैपेंस। अभी रोमा पे भी वही हो रहा है, अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ हेल गोइंग लूज ओवर देयर, बट द वे ही हैज हैंडल्ड एवरीथिंग, द वे ही हैज हैंडल्ड रोनाल्डो, द वे ही हैज हैंडल्ड द क्लब, इट्स लाइक इट फील्स दैट यू नो ही इज वन फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, हु फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ से सर एलेक्स फर्गसन, कि डिसिप्लिन मींस डिसिप्लिन, एथिक्स मींस एथिक्स, एंड रिस्पेक्ट मींस रिस्पेक्ट। मुझे नहीं लगता रोनाल्डो को जिस पे जिस तरीके से उसने हैंडल किया है कोई और कोई मैनेजर और कर कर पाता, पाता। हाँ ये एंड बात। आई हैव नेवर सीन एनी मैनेजर डूइंग दैट एज वेल। वो लेजेंड है, ही इज अ गोट, ही इज जस्ट अ प्लेयर फ्रॉम अनदर प्लैनेट जस्ट लाइक मेसी, बट फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। देखो, तो अगर आपको एक आई वाइल्ड हैव टू प्रेडिक्शन जैसे करनी एक हो, विश। एक ऐसी हाँ वाइल्ड प्रेडिक्शन की, सीजन के एंड में यूनाइटेड कहाँ स्टैंड करेगी, तो क्या लगता है आपको? आई थिंक टॉप फोर में तो होगी, टॉप टॉप 4 में हुई, देख लो इसके स्निपेट पे फोर नाम में लगा के तो डाल होगी। देंगे हम हर जगह। देख लो, मैंने अभी पीछे यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उसमें मैंने यू सेड यू वन द पेनल्टीज विद जर्मनी, जर्मनी वर्ल्ड कप जीत गया, उसके पीछे मैंने एक ये बोला, सब और मैंने एक काल्पनिक पीछे है, बोला था ये, ये सब हाँ ये सब काल्पनिक, काल्पनिक है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना बोले देना दे। नहीं। तो नहीं, किसी आई ने कमेंट भी होप किया एंड कि किसी ने कमेंट किया कि जो लास्ट में फाइनल हुआ बेल्जियम और जर्मनी का, दोनों ही बाहर हो गए वर्ल्ड कप के। तो आई देखो, होप वी विल बी विनिंग समथिंग दिस सीजन, कोई ना कोई सिल्वरवेयर तो होगा होगा वो। आई थिंक सिल्वरवेयर तो होगा यूनाइटेड का, अपार्ट फ्रॉम दैट देर वुड बी अ ट्रॉफी दैट यूनाइटेड वुड बी विनिंग दिस सीजन एंड अ टॉप फोर फिनिश। चलो दैट्स अ वेरी बोल्ड प्रेडिक्शन टू मेक, मतलब गिवन द सर्कमस्टेंसेस इन द क्लब। हाँ गिवन द सर्कमस्टांसेस, बट जस्ट लाइक व्हेन पोगबा वेंट तो सब कहते हैं वायरस चला गया, सो देखो रोनाल्डो हैड द सेम वाइब, नॉट द वायरस थिंग, बट हाँ जो फीलिंग है वो यही है कि वाइब थोड़ा नेगेटिव था, सो दैट इज आउट ऑफ द इक्वेशन। तो होपफुली देखो यू नो वी एंड अप विनिंग समथिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार। ओके अक्षय, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अस यार। इट मीन्स अ लॉट टू अस एंड पीपल कम एंड शेयर देयर स्टोरीज विद अस। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। बाकी मैं तो आपको शाम को गेम पे मिल ही रहा हूँ, बाकी बातें वहां करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बिफोर वी एंड जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू यमन फॉर इन्वाइटिंग मी, इट्स नो बीन अ प्रॉब्लम। प्लेजर। मेरे घर वालों को आज मैंने कहा आज 4 बजे मुझे कोई बॉदर नहीं करेगा, अरे क्यों, मैंने कहा क्योंकि आज पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट आ रहा है। फिर रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा फिर भी पॉडकास्ट आने लगे, उनका दिखाना सबको यार हीरो, कि ये मेरा हीरो मोमेंट है। हाँ ये भी एक हीरो मोमेंट हो गया। करेक्ट, हाँ चलो, थैंक्स अ लॉट सो फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। फॉर हैविंग मी, नो इट्स अ प्रॉब्लम, लॉट नो मैन। प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच। आई सी यू सून देन। थैंक यू। या श्योर, मैं गोल बचाऊंगा, पक्की बात है। मैं मार दूंगा, सेम टीम में हो जाएंगे। ये बेस्ट है। ये सही है। चलो चलो चीयर्स, थैंक्स अगेन, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।